इस श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी। आप मूलतः भोपाल मध्य प्रदेश के निवासी हैं और भोपाल परिसर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित हैं और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप लगभग 7-8 विषयों में नेट उत्तीर्ण हैं, एजुकेशन में जैन दर्शन, संस्कृत, मनोविज्ञान, प्राकृतिक, हिंदी इत्यादि कई विषयों में आपने नेट उत्तीर्ण किया हुआ है। बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी, बहुत ही मृदु स्वभाव के आप आचार्य हैं, बहुत ही छात्र प्रिय। और आपका सबसे बड़ा संकल्प रहा जीवन में कि आप ब्रह्मचर्य की ओर आपका झुकाव है और आप अपना जीवन संस्कृत सेवा तथा समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रेरणास्पदक हम सबके लिए है। और डॉक्टर नितिन कुमार जी से अनुरोध है कि अपने इस अपने ज्ञान धारा से हम छात्रों को कृतार्थ करें। डॉक्टर नितिन कुमार जी, रूपेश महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, स्वागत। और मैं डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी से का इस कक्षा प्रणाली में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत निवेदन, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका, और आपके चरणों में प्रणाम। सभी विद्यार्थियों, सभी छात्रों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। और मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो कक्षा को प्रारंभ करें। डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी, प्रणाम महोदय। मैं वीडियो ऑफ रख सकता हूँ, चलेगा ना? मेरी आवाज तो आप लोगों को आ ही रही होगी जी जी गुरु जी प्रणाम। ऑन हो तो अच्छा है, जी? बच्चों को थोड़ा प्रभावी बनता है। जी अच्छा जी अच्छा, गुरु ऐसा ठीक है, ऑन कर। जी ठीक, बस थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है आजकल, इस कारण मैंने सोचा कि शायद वॉइस ठीक है, फिर भी हम वीडियो में ऑन कर लेता हूँ। कहीं कोई समस्या आएगी तो हम स्विच कर लेंगे। जी तो जी मैं बिल्कुल सभी के लिए सादर नमन करता हूँ और आज की मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि मैं इतने सारे विद्यार्थियों से एक साथ जुड़ पा रहा हूँ, और ये तकनीकी का ही बहुत बड़ा सहयोग है। मेरी बात मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा ये रहता है कि पहले मैं ये जान लूँ कि मेरे विद्यार्थी कितना जानते हैं और उनका जो भी स्तर है उसके अनुरूप मैं अपनी चर्चा कर सकूँ, तो ये बहुत बेहतर होता है। और तकनीकी ने ये बहुत बड़ी हमको एक सुविधा दी है कि मैंने आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सब मैंने चेक किया। आज दिन भर से मैं थोड़ा सा यही देख रहा था कि कौन विद्यार्थी किस प्रकार की गलतियां कर रहा है। तो अभी तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पर, मुझे 43 43 लोगों की 44 एक अभी अभी आया है रिस्पॉन्स, ऐसे 44 विद्यार्थियों के रिस्पॉन्सेज मुझे आए हैं। मैंने एक गूगल फॉर्म तैयार किया था, आपको ग्रुप में वह प्रेषित भी किया गया था, और उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और वो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बहुत सारे कुछ पुराने पेपर जो नेट के आते हैं हुए हैं उनको देखकर मैंने तैयार किया है। तो मैं उन्हीं जो भी आपकी अनुक्रियाएं हैं एक तरह से डायग्नोज कर रहा हूं कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियां करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एवरेज देखा जाए तो आप लोगों का मात्र 2.52, मतलब 2.5%, ढाई ढाई प्रतिशत नहीं कहूंगा, 10 में से सिर्फ 2.5 नंबर आपका एवरेज है। तो ये मेरे लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है कि इतना कम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चिंता मेरी सकारात्मक है। और कहते हैं कि एक सकारात्मक तनाव होना भी बहुत जरूरी है। और मीडियम देखा जाए तो सिर्फ 10 में से 2 प्रश्न हैं जिनका सही जवाब मुझे मिला, और सिर्फ एक विद्यार्थी है जिसने 10 में से 6 अंक प्राप्त किए, बाकी सभी ने, दो तीन विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 0 अंक प्राप्त किया, कोई भी प्रश्न उनका सही नहीं है। तो ये सारा रिस्पॉन्सेज जो भी आपका देख के मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं, और मुझे अब थोड़ी दिशा मिल गई है कि मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए अपरिचित ही हैं। आपकी जो भी एक संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि है उसका मुझे परिचय नहीं है, और आप पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ पर आप हिटेरोजेनियस अलग अलग क्षेत्र से आप लोग हैं। तो इन सारी दृष्टियों से मुझे बहुत जरूरी था कि मैं आपको थोड़ा जान लूं कि आपका स्तर क्या है।
ठीक है, लेकिन मैं अपने जो 10 प्रश्न हैं इनकी जो अनुक्रिया है, एक एक प्रश्न की एक एक अनुक्रिया पे मैं चर्चा करूंगा। और ये मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपने कहां एक सामान्य रूप से गलती की है। तो किसी ने मुझे मैसेज भेजा है कि अभी इसमें आ रहा है कि वो लिस्ट भेज देना। मैंने परमेश जी को पहले ही ये लिस्ट भेज दी है जिसमें 43 स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं। तो परमेश जी से निवेदन है कि मेरी कक्षा के बाद तो आप वो पूरी रिजल्ट शीट ग्रुप में डाल दें ताकि विद्यार्थी उसको देख सके। जी जी, जी, जी रिजल्ट शीट भेज दिया गया है। भेज दिया गया है, चलो ये अच्छा रहा, उत्तम उत्तम विचार। और आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो एक एक प्रश्न को भी अपने लैपटॉप सॉरी मोबाइल पर देख सकेंगे और मुझसे जहाँ कहीं पर भी समस्या आपको लगती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका संदेह है आप जरूर पूछें। लेकिन एक एक रिस्पॉन्स पर बात करने से पहले मैं अपनी दृष्टि बता देता हूँ कि मेरी दृष्टि क्या है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने काफी सोच समझ के बनाए, उनके जो भी विकल्प हैं वो भी काफी एक एक विकल्प को ध्यान में रख के बनाया, तो बहुत सिमिलरिटी समानता नजर आती है। ये तो एक बहुत सामान्य समस्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं तो उनमें बहुत कुछ समानता नजर आती है। और बहुत समानता का कारण ये है कि हम हमारे पास वह दृष्टि नहीं होती जहां पर हम विभेदन डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो मैं अपनी दृष्टि पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे 10 के 10 जो प्रश्न है वो किस दृष्टि से है, और वो आपको स्पष्ट होगी तो फिर मेरी जितनी भी एक तरह से इंटरप्रिटेशन है व्याख्या है वो आपको ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। मेरी यहाँ पर सीधी सी सादी जो दृष्टि है वो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति की बात की गई है, मैं अभी फिर आपको पढ़ाने से पहले या पढ़ाना तो नहीं कहेंगे चर्चा करने से पहले मैं NCF को दोबारा देख रहा था, तो उसमें एक कथन में आपको बताता हूँ क्या है NCF का मूल विचार। सहभागिता हमारी शक्ति है। NCF में पेज नंबर 94 को पढ़ो हिंदी में, बच्चे फेल नहीं होते केवल वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। हमारे बीच में जो भी अंतर है वह अंतर नकारात्मक नहीं है बल्कि वह सकारात्मक अंतर है। हमारे जितने भी विभेदन हैं, जितने भी अलग अलग हमारी एक विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक भाषा के हो सकते हैं, क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन हमें उसे 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 नकारात्मक देखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसके प्रति सम्मान और स्वीकृति होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जितने भी अंतर है वह विविधता के लिए है और हमें एक विविधता का जो उपागम है दृष्टि वह स्वीकार करनी चाहिए। थोड़ा हचपच हो गया होगा, मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि पूरी रचनात्मक दृष्टि है। मैंने जितने भी प्रश्नों को अनुक्रियाओं को ठीक माना है उसमें कहीं ना कहीं ये दृष्टि है कि विद्यार्थी अधिकतम सहभागी कैसे है, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिव है, कैसे ज्यादा से ज्यादा वह अपने आप की अभिव्यक्ति कर पा रहा है। इसको एक शब्द दिया जाता है NCF में एक जगह शब्द आया है कि अध्यापक एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक को अंग्रेजी का जो NCF है उसमें दिया हुआ है फैसिलिटेट करता है, मतलब किसी भी अधिगम की प्रक्रिया को अध्यापक एक तरीके से फैसिलिटेट करता है, उसको उसको सुगमीकृत करता है, सरल नहीं करता, बाधाओं को दूर नहीं करता अध्यापक, बल्कि विद्यार्थी के अंदर जो पोटेंशियलिटी है संभावनाएं हैं उनको समझता है और विद्यार्थियों में वह एक क्षमता का विकास करता है कि वह उन समस्याओं को उन जो भी बाधाएं हैं उनको खुद समझे और उसको खुद ही दूर करने का उपाय करें, जिसको लेव वाइगोत्स्की ने एक तरह से ये कहा है कि सन्निकटन ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उनका एक कंसेप्ट उन्होंने दिया कि अध्यापक का कार्य वह है कि जहां तक विद्यार्थी अपने सामर्थ्य से सीख रहा है उससे अधिक वह सीख सके इसके लिए सहायता करना। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अधिगम का सन्निकटन सिद्धांत जो है क्षेत्र वह ये कहता है कि विद्यार्थी स्वयं भी सीख सकते हैं लेकिन अध्यापक की उपयोगिता क्या है कि जहां तक वह स्वयं सीख सकते हैं उस स्तर से ऊपर सीखने के लिए उससे ज्यादा सीखने के लिए उससे ज्यादा उनको उनका अधिगम हो वो समस्याओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें इसके लिए अध्यापक उनकी सहायता करें।
तो अध्यापक का कार्य वस्तुतः सहायता करना है और विद्यार्थी का कार्य ज्यादा से ज्यादा सहभागी होना है, विद्यार्थी का कार्य ज्यादा से ज्यादा आत्म अभिव्यक्ति करना है, विद्यार्थी का कार्य आकलन की दृष्टि से निरंतर अपने अंदर सुधार लाना है। कल ही मैं निशंक पोखरियाल जी को सुन रहा था तो, या आज तक पे एक आ रहा था कि वो बोल रहे थे कि क्या है नया क्या बोलते हैं नई शिक्षा नीति क्या है, तो उसमें आकलन के बारे में कह रहा था कि अब ऐसा आकलन होगा विद्यालय में कि विद्यार्थी खुद अपने आप को ग्रेड देगा, उसके सहपाठी विद्यार्थी को ग्रेड देंगे, अध्यापक भी विद्यार्थी को ग्रेड देंगे। तो एक वर्ड वो यूज कर रहे थे, आज तक था या कौन सा चैनल था मैं भूल रहा हूँ, 360 वर्ड उन्होंने यूज किया। 360 मतलब एक विद्यार्थी का जो भी आकलन होगा वह उसकी सहभागिता, उसके व्यवहार, उसके अधिगम क्षमताएं जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, भावात्मक योग्यताएं हैं और उससे ज्यादा उनकी मनोगत्यात्मक जो योग्यताएं हैं, उन सारी योग्यताओं का एक गेस्टाल्ट, एक होलिस्टिक अप्रोच आकलन में स्वीकार की जाएगी और उसका निर्धारण सिर्फ अध्यापक नहीं करेगा, क्योंकि अध्यापक के सामर्थ्य से बाहर है बहुत कुछ आकलन करना। तो खासकर भावात्मक परिक्षेत्र के जितने भी विषय होते हैं उस पर अध्यापक वस्तुतः आकलन कर नहीं सकता, क्योंकि उनका वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण भी संभव नहीं। लेकिन उसका प्रेक्षण या उसका अनुभवन सहपाठी ज्यादा करते हैं। तो यदि भावात्मक अनुक्षेत्रों पर जिसको अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है उसके दृष्टि से उन क्षेत्रों का आकलन यदि विद्यार्थी करेंगे अपने सह विद्यार्थी का तो वो ज्यादा सटीक होगा। इस प्रकार से उनका कंसेप्ट है कि हम प्रोसेस पर ज्यादा हम काम करेंगे बजाय प्रोडक्ट पर। तो ये मेरी एक दृष्टि थी कि अधिगम एक रचनावादी अधिगम है और रचनावादी अधिगम में जो अधिगम की प्रक्रिया है वह विद्यार्थी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता से भरी होती है। अब मैं ये भी थोड़ा समझा देता हूँ कि विद्यार्थी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अर्थ क्या है। दोनों का थोड़ा सा अर्थ अलग होता है। विद्यार्थी की स्वतंत्रता ये होती है कि वह विकल्पों में से जो उसके लिए प्रिय या जो भी उसके लिए पसंद का विकल्प है वह विकल्प वह चयन कर सके, ये उसकी स्वतंत्रता है। अगर अगर विषयों की कोई विकल्पता है कि आप ये विषय ले सकते हैं कि ये विषय ले सकते हैं तो विषय चयन की स्वतंत्रता कहलाती है। स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? स्वायत्तता स्वतंत्रता से थोड़ी सी उच्च स्तरीय स्थिति है। स्वायत्तता में ये होता है कि विद्यार्थी को ये पूरी और उच्च स्तरीय स्वतंत्रता दी जाती है कि वह किसी भी विषय को अपनी तरीके से एक तरह से परिभाषित कर सकता है, उसकी विषय वस्तु तय कर सकता है, वो पाठ्य पुस्तकों से भी अलग किसी विषय वस्तु को स्वीकार कर सकता है। यदि मैं प्रोजेक्ट मेथड को लूं तो उसमें स्वायत्तता ये होगी कि वह खुद चयन करेगा कि उसे किस प्रकार की सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है। तो जहां विद्यार्थी मात्र विकल्पों को नहीं चुनता, विकल्पों का निर्माण भी करता है, जहां वो योजना का क्रियान्वयन में स्वतंत्र नहीं, जहां वो स्वयं योजना भी बनाता है, उद्देश्य भी बनाता है और उसके उद्देश्य अपने सामर्थ्य के अनुकूल होते हैं, ऐसी जो नई व्यवस्था है जहां पर ज्यादा उसको स्वतंत्रता दी जाती है वह कहलाती है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। तो इन सारी दृष्टियों को कि अधिगमकर्ता जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वह सक्रिय होना चाहिए, अत्यंत और जो भी और एक महत्वपूर्ण चीज आखिरी ये कि जो भी शिक्षण की विषय वस्तु होगी वो सामाजिक हो, परिवेश सामाजिक हो। तो एक विद्यार्थी जब कुछ सीखता है तो उसका परिवेश एक सामाजिक परिवेश होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैंने सारे विषय को लिया है। आप एनसीएफ को पढ़ेंगे तो दोबारा मेरे सारे विकल्पों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं आपको एनसीएफ, भले ही वो एनसीएफ विद्यालय शिक्षा के बारे में है लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत व्यापक हैं, इसलिए उच्च शिक्षार्थियों को भी एनसीएफ को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ तक तो मेरी अभी सिर्फ भूमिका मैं प्रस्तुत कर रहा था कि इस प्रकार से हम विषय को समझेंगे और मेरी एक एक प्रश्न की जो भी दृष्टि है, विकल्पों की दृष्टि है, वह रचनात्मक दृष्टि है। तो आप उसको थोड़ा सा, अब मैं अपने लैपटॉप पर कुछ प्रश्न देखता हूँ। मात्र 13 लोगों ने सही जवाब दिया। मैंने एक प्रश्न पूछा था
कि सही कथनों पर विचार करना है, और इसमें सारे के सारे कथन जो थे वो गलत थे। तो मैंने चार कथन आपके सामने रखे थे, चारों कथन गलत है। मैं एक एक कथन पर बात करता हूँ। शिक्षण केवल शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल शिक्षण में शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका नहीं होती। तो ये एक यांत्रिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं, टेबल होता वो एक खाली स्लेट है और अध्यापक लिखता है या अध्यापक जो कुछ उद्दीपकों की व्यवस्था का सर्जन करता है और उन उद्दीपकों का प्रभाव विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं की दृष्टि से होता है। तो ये एक व्यवहारवादी धारणा है कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं और हम उन्हें बार बार अभ्यास जो थॉर्नडाइक कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर, प्रयास करो सीखोगे क्योंकि अभी तक आप नहीं जानते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो दृष्टि गलत है, लेकिन वो दृष्टि एक तरीके से सभी लोग जानते हैं कि जो व्यवहारवादियों की दृष्टि है, जेबी वॉटसन से लेकर फिर थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन सब लोगों की जो दृष्टि है वो बड़ी यांत्रिक है। उसमें सक्रियता जो है वह परिवेश की या बाह्य उद्दीपकों की है। थॉर्नडाइक की दृष्टि में उद्दीपक महत्वपूर्ण होता है तो स्किनर की दृष्टि में पुनर्वलन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो प्राणी है, जो उद्दीपक करता है, वो निष्क्रिय माना गया। और वो ऐसा माना गया कि हम जैसा चाहे उसको बना सकते हैं। वॉटसन का तो स्टेटमेंट ही है कि आप जिसको जैसा बनाना चाहें वो बना सकते हैं प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। तो ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी जो कक्षा है वह कक्षा ऐसी होगी जिसमें केवल अध्यापक ही सक्रिय नहीं है, विद्यार्थी भी सक्रिय है। और शिक्षण में अधिक परिपक्व व्यक्ति का प्रभाव कम परिपक्व व्यक्ति पर वांछनीय होता है, ये कथन भी गलत है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट से पहले इसी की व्याख्या की है कि अगर आप ये कहेंगे कि अध्यापक ज्यादा परिपक्व है और विद्यार्थी कम परिपक्व है, तो आपकी परिपक्वता का पैमाना क्या है? अगर आप देखा जाए तो जिस अध्यापक की आप बात कर रहे हैं वो भी अपने सीनियर अध्यापक से कम परिपक्व हो सकता है। तो सिर्फ सूचनाओं के भंडारण को हम परिपक्वता नहीं कह सकते हैं। और यद्यपि परिपक्वता जैसे शब्दों को तो जहां तक मुझे याद है रचनावादी स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति क्यों स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक आ, 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 एक तरह से सोशियो कल्चर, एक शब्द जो लेव वाइगोत्स्की के लिए काफी प्रिय है, एक उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा एक का भी है तो वो कम से कम अपनी टूटी फूटी भाषा को तो जानता ही है, अपनी संस्कृति को तो जानता ही है, अपने अपने जो भी परिवेश के इनपुट्स हैं, जो भी जानकारी उसके आसपास की है उनका तो वह ज्ञाता है ही। उसकी अपनी भाषा है, अपनी चिंतन शक्ति है, अपनी अपनी कल्पना शक्ति है, अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपनी रुचि है, अपनी सहभागिता का सामर्थ्य है। तो जब विद्यार्थी इतना ज्यादा, और आप तथ्य यहाँ पर विचारणीय ये है कि आप एक कक्षा एक के विद्यार्थी से और ज्यादा क्या अपेक्षा करते हो कि वो और क्या हो जाए? वो अपनी उम्र के हिसाब से ही तो संज्ञानात्मक और भावात्मक क्षमताओं को रखता है। तो एक कक्षा एक का विद्यार्थी कक्षा एक की तरह ही होगा, इसलिए उसे परिपक्व या अपरिपक्व कहने का जो वर्गीकरण है वो ठीक नहीं है। वो जैसा है अपने स्तर पर वो काफी अच्छा है, सक्रिय है, उसकी सक्रियता उसके लिए सर्वोपरि है। और अध्यापक के लिए भी उसकी सक्रियता, उसकी उत्कट इच्छा कि वो कुछ सीखना चाहता है, सहभागी होना चाहता है, यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वो कितना नहीं जानता, बल्कि यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वो कितना जानता है। कक्षा एक का विद्यार्थी जो भी अपनी मातृभाषा को जानता है, जितना टूटा फूटा जानता है, वह महत्वपूर्ण है। वो इतना नहीं जानता, वो तो पूरा भाषा को सीखना तो आजीवन चलता है, वो तो निरंतर होगा, उसमें तो निरंतर विकास होगा और बहुत सारे परिवर्तन आएंगे जैसा जैसा परिवेश मिलेगा और विशेष रूप से जैसी जैसी सामाजिक अंतःक्रिया होगी, विद्यार्थी उस स्तर का भाषा का विकास करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो वांछनीय कुछ नहीं है, बस ये है कि सहभागिता महत्वपूर्ण है। शिक्षण में केवल विद्यार्थियों की क्रियाओं की प्रधानता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि हम अध्यापकों की सक्रियता की अगर एक तरफा जो सक्रियता है उसको खारिज करते हैं, तो विद्यार्थियों की भी जो एक तरफा
सक्रियता है उसको भी खारिज करना चाहिए। मैंने एक प्रश्न पूछा है, शायद सबसे लास्ट में होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि अध्यापक की भूमिका क्या होती है। उसमें सबसे सही जो जवाब है वह है को लर्नर, सह अधिगमकर्ता की होती है। आज का जो अध्यापक है उसकी जो दृष्टि होनी चाहिए वह यह है कि वह अपने विद्यार्थियों से सीखे। तो अगर विद्यार्थियों से अध्यापक सीखता है तो निष्क्रिय अध्यापक फिर वहां पर वांछनीय नहीं है। और दूसरी दृष्टि यह है कि यदि अध्यापक विद्यार्थियों से सीखे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की सक्रियता भी जरूरी है। मात्र अध्यापक सक्रिय रहे, विद्यार्थी निष्क्रिय रहे और फिर अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कुछ सीख पाए, ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी हर विद्यार्थी अपने सहपाठी हर विद्यार्थी से सीखता है, जिसे पीयर लर्निंग कहा जाता है, और अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों से सीखता है, जिसे को लर्निंग कहा जाता है। तो अध्यापक भी विद्यार्थियों से सीखते हैं, विद्यार्थी भी अध्यापक से सीखते हैं, इसलिए दोनों की क्रियाओं की प्रधानता या महत्ता शिक्षण की प्रक्रिया में माननी चाहिए। एक तरफा किसी की भी सक्रियता यहाँ पर अविष्ट नहीं है। और आखिरी है कि शिक्षण शिक्षक का कार्य है, ये बहुत ही आउटडेटेड परिभाषा है कि बीओ स्मिथ ने जो शायद 1970 में कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्लियर, लेकिन कि एक ऐसी क्रियाओं का समूह जिसका लक्ष्य होता है अधिगम को प्रोड्यूस करना है। तो लेकिन वो क्रियाएं किसकी है? वो क्रियाएं यदि सिर्फ अध्यापक की है तो अब ये परिभाषा मान्य नहीं है। अगर ये मानते हैं कि वो क्रियाएं अध्यापक की भी है और विद्यार्थियों की है, दोनों की संयुक्त रूप से वो क्रियाएं हैं और उनका एक एक सूत्रीय उनका लक्ष्य है परस्पर अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाना, परस्पर एक दूसरे से सीखना, तो ये जो शिक्षण है ये शिक्षण कहलाएगा। लेकिन ये शिक्षण शिक्षक का ही कार्य है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो मैंने पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा था उसका सही उत्तर है कि ये चारों के चारों विकल्प ठीक नहीं है। और मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक जिस प्रतिमान को NCF और CCE पैटर्न में या और भी जितनी भी प्रणालियां या प्रतिमान विकसित हुए उनमें अब ये व्यवहारवादी उपागम है वह अब नहीं स्वीकार किया जाता। अब यांत्रिकता स्वीकार नहीं की जाती, अब सामाजिकता स्वीकार की जाती है, अब उद्दीपक अनुक्रियाओं की व्यवस्था के रूप में शिक्षण होता है ऐसा स्वीकार नहीं होता, अब सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में शिक्षण होता है ऐसा स्वीकार किया जाता है, आप ऐसा स्वीकार करते हैं जहां पर सिर्फ अध्यापक सक्रिय नहीं है विद्यार्थी भी सक्रिय है, सिर्फ विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं अध्यापक विद्यार्थी से सीखते हैं, इस प्रकार की प्रणाली को आज सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि रचनावाद में जो कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागोजी है शिक्षण शास्त्र, उसमें व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का समन्वय है। तो जहां पर हम कहते हैं कि सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए वह एक तरह से व्यवहारवादी धारणा को अपनाता है कि एक परिवेश होना चाहिए, लेकिन सक्रियता सिर्फ अध्यापक की नहीं, सक्रियता विद्यार्थी की भी, और किस प्रकार की सक्रियता, विशेष रूप से उसकी मानसिक सक्रियता। तो दोबारा आप इस पर विचार करिएगा और फिर आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न था कि शिक्षण अभी क्षमता के विषय में सही कथन है। मैंने इसमें 5 कथन आपके सामने दिए थे और 5 में से सिर्फ एक कथन सही है, वह है कथन बी, बाकी ACGE ये चारों कथन गलत है। अब कैसे गलत है मैं इन सब के बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए, मैं अरुण कुमार सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान की छोटी किताब है व्हाइट आपने भी देखी होगी, उसमें भी अविक्षमता के बारे में दिया हुआ है, आप थोड़ा सा उसको पढ़िएगा, पेज नंबर शायद 485 समथिंग पेज नंबर है शायद, आप थोड़ा सा पढ़िएगा, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें एक विषय दिया हुआ है कि अविक्षमता का मतलब क्या है। अविक्षमता एक पोटेंशियलिटी है, संभावना है, और ये संभावना किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य के विषय में क्या दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति है और उसकी क्या कुशलता है, दोनों से मिलके बनता है। अगर मैं कहूं कि आपके अंदर एक शिक्षण अभिक्षमता है तो इसका इंटरप्रिटेशन आप दो दृष्टियों से करिएगा। दो प्रकार के आप सरल वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला वाक्य तो ये होगा
कि जैसे राम, मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, राम के अंदर शिक्षण अभिक्षमता है। अगर मैं ये वाक्य स्वीकार करता हूँ तो मैं दो वाक्यों में इसकी व्याख्या करूंगा। पहला वाक्य तो ये होगा कि राम को शिक्षण के प्रति लगाव है। मैं सरल हिंदी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, लगाव है। राम को शिक्षण के कार्य में रुचि है। राम को शिक्षण का कार्य करते समय आनंद की अनुभूति होती है। इसको मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि राम शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति वाला है। तो अभिक्षमता में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपस में मिलकर अभिक्षमता बनते हैं। एक तो यह है, ये मेरा मेरा अभी तक की समझ है। अगर आप लोगों को इसमें कोई संशोधन करना हो तो जरूर आप करिएगा। पहली चीज तो ये है कि अगर आप अभिक्षमता, शिक्षण की अभिक्षमता के बारे में बात करते हैं, तो आपका उस कार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति समर्पण आपका होना चाहिए। वह कार्य आपके लिए उपयोगी है, आप उस काम के लिए उपयुक्त हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, जिसको कह सकते हैं सबसे सरल भाषा में जो विकिपीडिया पर है, लाइक एंड डिसलाइक। आपको वह कार्य पसंद होना चाहिए। पसंद है तो सकारात्मक अभिवृत्ति है, और पसंद नहीं है तो आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है। पहली बात कि अगर आप शिक्षण अभिक्षमता रखते हैं तो आपको शिक्षण के प्रति समर्पण होगा, शिक्षण के कार्य में आपको आनंद आता होगा, और शिक्षण की जो भी शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है वो आपको पसंद है। दूसरा तत्व ये है कि यदि आपको कार्य पसंद है तो आपको वह कार्य सफल तरीके से करना भी आता होगा। मतलब आपके अंदर वह कुशलताएं भी होंगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने के साथ साथ उस कार्य को कर सकने का सामर्थ्य भी आपके अंदर होना चाहिए। तो इसको मैंने एक शब्द में कहा है कि कुशलता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षण की दृष्टि में बात करूं, संप्रेषणात्मक कुशलता। कम्युनिकेटिव जो भी कैपेबिलिटीज हैं या कैपेसिटीज हैं, जितनी भी एबिलिटीज हैं संप्रेषण की, वो संप्रेषण का सामर्थ्य, कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दक्षता, कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हम बात करें तो शिक्षण की अविक्षमता का अर्थ हो जाता है शिक्षण कार्य के प्रति लगाव, रुचि होना, और शिक्षण कार्य को बेहतर से बेहतर कर सकने की तैयारी होना, या बेहतर से बेहतर उस कार्य को संपादित करने की आपकी आपकी संज्ञानात्मक क्षमता होना। तो अगर मैं इसको देखूं तो भाषागत क्षमता को देखूं, तो हम सब जानते हैं कि भाषागत जो क्षमता है व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है, और अभिवृत्ति जो है वह भावात्मक क्षेत्र में आती है। और अगर डोमेन को मैं उपयोग करूं तो आपकी कुछ शारीरिक गतिशीलता भी होनी चाहिए, जिसको हम साइकोमोटर एबिलिटीज कह सकते हैं। तो भावनात्मक रूप से आप उसके प्रति सकारात्मक हो, आपकी संज्ञानात्मक रूप से आप उसके लिए उपयुक्त हो, और आप उस कार्य को भी बेहतर तरीके से कर पाए, यह सब मिलके अभिक्षमता बनती है। एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एटीट्यूड प्लस स्किल्स। आपकी जो भी कुशलताएं हैं, कुशलताएं और अभिवृत्तियां मिलके अभिक्षमता का निर्माण करती है। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं। यह परिवेश के प्रभावों का परिणाम होती है, ऐसा नहीं है। अगर परिवेश के प्रभावों का परिणाम कहेंगे तो फिर वो व्यवहारवादी धारणा आ गई कि आप उद्दीप, परिवेश मतलब क्या है, उद्दीपक। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो भी अक्षम जो भी आपकी क्षमताएं हैं, कुशलताएं हैं, उनमें जो संज्ञानात्मक क्षेत्र की कुशलताएं हैं, उनका बहुत हद तक वैयक्तिक उसकी पृष्ठभूमि होती है। विशेष परिवेश बहुत कम होता है कि वो चिंतन, जो आपकी चिंतन शक्ति है या आपकी सृजनात्मकता है, आपकी आपकी आलोचनात्मक क्षमता है, वो आपकी वैयक्तिक प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ परिवेशों का परिणाम होता है, ऐसा नहीं। एक परिवेशों का परिणाम भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि शिक्षण अभिक्षमता का विकास हम वस्तुतः प्रशिक्षण के माध्यम से भी करते हैं, तो हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन ये बात परिपूर्ण नहीं, कंप्लीट नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो परिवेशों का मात्र परिणाम नहीं है, ये व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी परिणाम होती है। इसलिए दूसरी बात यह है कि ए के साथ बी और सी का भी कॉम्बिनेशन है, और सी
के बारे में बात करूं कि वह केवल कुशलता का प्रतिमान है। मैंने अभी बता ही दिया है कि अभिक्षमता केवल कुशलता का प्रतिमान नहीं है, उसके साथ साथ वह आपकी अभिवृत्तियों का भी गेस्टाल्ट समग्र है। आप अपने शिक्षण कार्य के प्रति, मैंने बहुत सारे अध्यापक देखे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते, और बहुत सारे अध्यापक देखे हैं जो बहुत पढ़ाने की इच्छा करते हैं, पढ़ाते भी हैं लेकिन अच्छा पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो क्षमताओं में कमी रह जाती है, कुशलताओं में कमी रह जाती है, या अभिरुचि में कमी रह जाती है। तो यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ कुशलता का प्रतिमान नहीं है, ये एक तरीके से कुशलताओं के साथ साथ आपकी अभिरुचियों का, आपकी जो भी पसंद नापसंद है, उन सब का भी एक गेस्टाल्ट, एक समग्र स्वरूप है। तो यह अध्यापकों की अभिरुचि और कुशलता का गुणात्मक परिणाम है। ये सबसे सरल है जो मैंने अभी कहा कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के प्रति कितना अभिरुचिपूर्ण है, जिसमें व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, और कुशलता, भाषात्मक कुशलता सबसे बड़ी कुशलता है अध्यापक के लिए, भाषात्मक कुशलता, और उसके साथ साथ उसकी उसकी सृजनात्मक कुशलता, और उस सृजनात्मक कुशलता में छिपी हुई है उसकी समस्या समाधान की क्षमता, जो गहने की हायरार्की में सबसे ऊपर आती है। कि आप अपनी कक्षा की समस्याओं को समझते किस दृष्टि से हैं, आप सकारात्मक है कि नकारात्मक है, वो दृष्टियां आपकी क्या है, ये सारी कुशलता है। कुशलता का कार्य अर्थ ही होता है किसी कार्य को अच्छे से कर सकने की क्षमता। कब करेंगे? जब आपको उस कार्य के प्रति प्रेम होगा, आप समर्पण होगा। तो इन सारी जो भी एक एक क्लाउडिंग है, एक पर्यावरण है, इन सबसे मिलकर अभिक्षमता का निर्माण होता है। यह संप्रेषण कुशलता व्यवहार, यह संप्रेषण कुशलता व्यवहार पर आधारित योग्यता है, व्यवहार पर आधारित नहीं है। यह स्थायी योग्यता है, बिल्कुल भी गलत है। यह मनोविज्ञान एक बात बहुत, मैं आज ही अपने विद्यार्थियों से मनोचिकित्सा पे बात कर रहा था, तो ये विषय आया कि मनोविज्ञान हमको सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ, हर चीज। आप व्यक्तित्व को देखिए, वो गत्यात्मक है, सृजनात्मकता को देखिए, वो गत्यात्मक है, अधिगम खुद गत्यात्मक है, भाषाई क्षमताएं गत्यात्मक है, समायोजन की क्षमताएं आपकी गत्यात्मक है, आपकी भावात्मक प्रज्ञा, आध्यात्मिक प्रज्ञा, वह भी गत्यात्मक है। कुछ भी स्थायी नहीं है, निरंतर बदल रहा है, और ये जो बदलाव है इसको हम क्यों, कब विकास कहेंगे? जब ये बदलाव गुणात्मक स्थिति में होता है। विकास कुछ नहीं है, बस गुणात्मक परिवर्तन है। तो जब गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि वह स्थायी नहीं है, वह एक अस्थायी योग्यता है जिसमें निरंतर गुणात्मक परिवर्तन आता रहता है। तो मेरा यहाँ पर विषय यही है, सिर्फ अभी दो प्रश्नों पर मैं बात कर पाया कि हमारी जो भी, क्योंकि हमारा विषय ही नेट में यह है कि शिक्षण की अभिक्षमता क्या है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कुछ कुछ आप लोगों को मेरा, मेरी दृष्टि शायद स्पष्ट हो रही होगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। शिक्षण का स्वरूप नहीं है, ये मेरा तीसरा प्रश्न था, और इसमें कोई कथन नहीं थे, सिर्फ चार विकल्प थे। पहला विकल्प है सहयोगात्मक, सिर्फ एक विद्यार्थी ने कहा कि ये सहयोगात्मक नहीं होता। मेरा प्रश्न क्या है? शिक्षण का स्वरूप नहीं है, शिक्षण का स्वरूप सहयोगात्मक नहीं है। ये तो बहुत गलत है कि जो मैं अब जितनी व्याख्या करके आया हूँ उसमें तो यही बात ख्याल में आती है। मैं अपनी व्याख्या सारी की सारी एनसीएफ के आधार पर कर रहा हूँ, इसलिए जहां भी आपको संदेह हो रहा है एक बार आप एनसीएफ जरूर पढ़ें। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप नॉर्म चॉम्स्की वगैरह को भी पढ़ेंगे तो और आपको इस बात की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे भाषागत कुशलताओं की बहुत ही जरूरत होती है शिक्षण की प्रक्रिया में। सहयोगात्मक होता है, ये शिक्षण का अत्यंत अनिवार्य स्वरूप है। सामाजिक होता है, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा है अभी भी कक्षा में कि शिक्षण का जो कार्य है वो एक सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण है। शिक्षण मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल सामाजिक अंतःक्रिया जितनी ज्यादा है शिक्षण उतना ज्यादा। अब इसमें धीरे धीरे द्वेत खत्म हो जाता है। अगर आप रचनावादी दृष्टि से अधिगम को समझेंगे तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि शिक्षण और अधिगम में कोई द्वेत नहीं रहता। जितना ज्यादा अद्वैत होगा शिक्षण उतना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। उदाहरण के लिए अध्यापक पढ़ा नहीं रहा है, अध्यापक सीख भी रहा है, लेकिन वो कब सीख रहा है ये कोई भी निश्चित चरण नहीं आता जिसमें कह सकें कि देखो अब अध्यापक पढ़ा रहा था, अब अध्यापक पढ़ रहा है, देखो अब विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अब विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। वो पूरी सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप ऐसा होता है
कि शिक्षण और अधिगम साथ साथ चल रहे होते हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया से दोनों निशाने, दोनों लक्ष्य सिद्ध हो रहे होते हैं, और उस प्रक्रिया को कहा गया है सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया, और वह गतिशील है। और 12 लोगों ने ये कहा कि शिक्षण गतिशील नहीं होता, तो आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए। इसका सही जवाब है पूर्ण नियोजित। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि पूर्णता नियोजित नहीं होता, क्योंकि अगर आपने पाठ्यचर्याओं के स्वरूप के बारे में पढ़ा हो, अंतर्निहित पाठ्यचर्या या फिर शून्य पाठ्यचर्या या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, सामाजिक पाठ्यचर्या, तो आपने पढ़ा होगा कि हम बहुत कुछ तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ परिस्थितियों में किस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया होगी। और उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि यदि आपने विद्यार्थियों की अंतःक्रियाओं पर और अभिव्यक्तियों पर जोर दिया और वो अभिव्यक्तियां ज्यादा से ज्यादा आत्मनिष्ठ हुई, वस्तुनिष्ठ ना हुई, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि यदि आत्मनिष्ठ अंतःक्रियाएं होंगी, आत्मनिष्ठ अभिव्यक्तियां होंगी, तो उसके बारे में तो अध्यापक पहले से कोई योजना बना ही नहीं सकता कि विद्यार्थी किस प्रकार की अंतःक्रिया करेंगे या किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे या किस प्रकार के विचारों को कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जब हमने यह स्वीकार कर लिया है कि विद्यार्थी उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, तो वो किस बात को रखेंगे और बात को कहाँ ले जाएंगे, ये हम पूरी तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षण नियोजित नहीं होता, शिक्षण नियोजित होता है। अगर आपने 5E मॉडल पढ़ा हो रचनात्मक शिक्षण का, तो उसमें 5E दी हुई है कि इन चरणों से हम, ये एकमात्र प्रतिमान है, बाकी और भी प्रतिमान है रचनात्मक शिक्षण के, लेकिन रचनात्मक शिक्षण का एक मूल विषय ये है कि हम एक तरीके से परिवेश के निर्माण पर ध्यान देते हैं, वास्तव में क्या सीखेंगे या उसका एक सामान्य लक्ष्य तैयार कर लिया था, लेकिन वैसा ही होगा अगर हमें हार्ड एंड फास्ट सख्ती से नियम लागू करेंगे, तो फिर वो सामाजिक अंतःक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होगी। जैसे बार बार बच्चों को टोके कि हमारे विषय नहीं है, हमारे विषय नहीं है, विद्यार्थियों को कुछ गाइडलाइन तो देनी पड़ेगी, लेकिन हर आप पहले से ही ये ट्रैक निश्चित कर लें कि विद्यार्थी सिर्फ इसी विषय में अपनी अंतःक्रिया करेंगे, इसी विषय में बात करेंगे, इससे अलग कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसको एक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उसको तो फिर व्यवहारवादी दृष्टि से ये कहना पड़ेगा कि आपने एक यांत्रिक परिवेश का निर्माण कर दिया है जिसमें वही अनुक्रियाएं चाहिए जो आपने पहले से नियोजित कर रखी है, तो ये शिक्षण का लक्ष्य नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा दृष्टिकोण, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, वो यही है कि शिक्षण पूर्णतः नियोजित नहीं होता, वो नियोजित होता है, लेकिन प्रक्रियाएं यही होंगी, यही लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात को, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मस्तिष्क मंथन उद्वेलन का हिंदी रूपांतरण किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा हो, तो बड़ी एक विचित्र स्थिति है उसके अंदर कि निष्कर्ष क्या होंगे ये जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग को कक्षा में लागू करें, तो उसका लक्ष्य ही यह है कि पूरे 45 मिनट तक विद्यार्थी जो कुछ उनके दिमाग में है, कॉन्सियस या सब कॉन्सियस, जो भी उनके दिमाग में है, जो भी वो मानते हैं, चिंतन करते हैं, उसको बस विरेचन, उसको बस बाहर निकाल सके। अब वो क्या सीखेंगे, वो लक्ष्य नहीं है। मैंने कहा था पहले कि परिणाम क्या है लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बस विद्यार्थी ने अपनी बात को सामने रखा, अपनी आत्म अभिव्यक्ति दी, जैसा वो मानता है उसके बारे में कुछ कहा, और यदि कोई आक्षेप होता है तो उस आक्षेप का सवाल जवाब किया, तर्क वितर्क किया, और जो अपनी बात है उसको सटीक तरीके से रखा, यही इसका लक्ष्य है। लेकिन क्या विद्यार्थी क्या यही सीखेंगे, यही संप्रत्यय वो 45 मिनट के बाद एग्जैक्टली इसी संप्रत्यय को सीख जाएंगे और कुछ नहीं सीखेंगे, ऐसा तो उस क्रिया का कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का कोई स्थायी या निश्चित लक्ष्य नहीं होता। तो जहां तक सामाजिक अंतःक्रियाओं की दृष्टि है, वहां पर सामाजिक अंतःक्रिया ही प्रक्रिया है और सामाजिक अंतःक्रिया ही परिणाम है। विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से जितना अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वह अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्ति कर सकना, जो उसकी अभिव्यक्ति करने के बाद एक संतुष्टि आती है कि जो उसे कहना था वो कह दिया उसने,
इस प्रकार की जो जो जैसे जैसे पेंटिंग बनानी थी वो पेंटिंग बना दी, जो उसे कविता लिखनी थी कविता लिख दी, जो स्केचिंग करनी थी स्केचिंग कर दी, किसी पिक्चर को देख के जो उसे कथा लिखनी थी उसे कथा लिख दी। अब वो कथा के पात्र कथा ठीक है कि नहीं है, उसकी भाषा ठीक है कि नहीं है, उसने कल्पनाएं ठीक तरीके से की है या नहीं की है, तो इस प्रकार की ग्रेडिंग वहां पर उपयोगी नहीं है। वहां पर यह है कि उत्तर उत्तर कल जो या एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले विद्यार्थी का जो विकास था उससे आज कुछ विकास है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। कोई मानक लक्ष्य सभी लोगों के लिए एक मानक लक्ष्य बना देना और वही संपूर्ण उस अंतःक्रिया का या प्रक्रिया का परिणाम होगा, ऐसा लक्ष्य नहीं होता। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जो अंतःक्रिया है वही एक प्रक्रिया है, वही एक परिणाम है। और ये मैं रचनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूँ और खासकर इसमें योगात्मक आकलन को मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर निर्माणात्मक जो आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव टीचिंग कर सकते हैं, उसकी दृष्टि से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक पृष्ठ और ले लेता हूँ, अभी तो 6:15 हो गया है, एक पृष्ठ और मैं ले लेता हूँ, कल बाकी प्रश्नों पर चर्चा मैं कल करूंगा। और मैं कुछ समय आप लोगों के लिए दूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो जरूर मुझसे पूछेगा। एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ, चौथा हमारा चौथा प्रश्न ये है कि शिक्षण एवं आकलन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। इसका सही उत्तर ये है कि सारे के वो गलत है, तो सॉरी गलत प्रश्न गलत नहीं, वाक्य गलत है, सारे के सारे कथन गलत है। और मैंने आपके सामने तीन कथन पांच कथन दिए थे, पांचों के पांचों कथन गलत है। एक ही कथन पर हम विचार करते हैं, आप शिक्षण और आकलन की दृष्टि से एक एक कथन की जो असत्यता है उस पर विचार करेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावशीलता का निर्णय करना आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है, बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कहूंगा जो मैं भी बोल के आया था, मैं योगात्मक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, आकलन और मूल्यांकन इन दोनों शब्दों को लेकर बात कर रहा हूँ। और मेरे आकलन, जब मैं इस आकलन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो इसके कॉन्ट्रास्ट में मूल्यांकन शब्द को मानेगा। और मूल्यांकन आकलन में जो भेद है कि आकलन जो होता है वो सुधार के लिए होता है, मूल्यांकन जो होता है वो निर्णय के लिए होता है। तो आकलन का असेसमेंट का उद्देश्य निर्णय लेना नहीं है, निर्णय लेने का लक्ष्य तो मूल्यांकन करेगा, अंतिम परिणाम जो होगा वह क्या है, उसकी क्या ग्रेडिंग है, क्या श्रेणी है, वह नहीं है। आकलन जो असेसमेंट कहा गया और जो मूल्यांकन से अलग अपना स्वरूप रखता है, ऐसा जो आकलन है वह आकलन निर्णय नहीं देता, बल्कि अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं तो ये होगा वाक्य कि शिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए हम अध्यापक जैसा पढ़ाता है उससे कल और बेहतर तरीके से पढ़ा सके, विद्यार्थी आज जो सीख रहे हैं उससे बेहतर तरीके से सीख सके, इसके लिए आकलन किया जाता है। आकलन समावेशात्मक होता है, आकलन उन समस्याओं को पहचानने के लिए होता है। एक तरीके से आकलन की जो शुद्ध प्रकृति है वो निदानात्मक प्रकृति है, कहाँ समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने के लिए आकलन होता है, अंतिम निर्णय देने के लिए आकलन नहीं होता। शिक्षण पूर्ववर्ती क्रिया है और आकलन पश्चिमगामी क्रिया है, ये कथन भी गलत है। अगर आप निर्माणात्मक आकलन की अगर आपने अवधारणा को समझा हो तो निर्माणात्मक आकलन वह होता है जो शिक्षण के समानांतर चलता है, पैरेलल। मैं इसके लिए एक विधि का उदाहरण देता हूँ, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम लोग संस्कृत शिक्षण इत्यादि में भी इस विधि का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत शिक्षण में उदाहरण के लिए जब आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा मात्र शिक्षण कर रहे हैं या प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा मात्र विद्यार्थियों के अधिगम का या उनके संज्ञानात्मक स्तर का आकलन कर रहे हैं। तो जब आप शिक्षण के रूप में, ध्यान सुनिएगा, जब आप शिक्षण के रूप में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि वहां पर शिक्षण की विधि तो है ही, विद्यार्थियों के आकलन की भी विधि है। और सलूजा जी तो ये बोलते हैं कि अध्यापक को प्रश्न और विद्यार्थियों को उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं कि आप विद्यार्थियों के सामने विषय वस्तु रखिए और उनसे कहिए कि इस पर प्रश्न बनाइए, और आप प्रश्न बनाइए और कितना अच्छा होगा कि उसका जवाब दूसरे विद्यार्थी देंगे या उसका जवाब अध्यापक देगा।
तो विद्यार्थी जब प्रश्न पूछे और अध्यापक उत्तर दे या अन्य विद्यार्थी उत्तर दे, अध्यापक प्रश्न पूछे विद्यार्थी उत्तर दे, ये निश्चित रूप से एक दूसरे के सीखने की सहभागिता वाली स्थिति होगी। यहाँ पर अध्यापक भी विद्यार्थियों से तब निश्चित रूप से सीखेगा जब विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसके बारे में अध्यापक ने भी कभी चिंतन नहीं किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रश्नोत्तर विधियों में और जितनी भी रचनात्मक विधियां हैं, थोड़ा सा सेकंड्स और मिनट्स का डिफरेंस हो सकता है, लगता है कि हो सकता है कि अभी शिक्षण ही हो रहा है लेकिन अब आकलन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनमें एक रूपता होती है, गड़बड़ होती है, और आप वास्तव में बिल्कुल एकदम विभेदन नहीं कर सकते कि देखो ये शिक्षण है और ये आकलन है, क्योंकि रचनात्मक दृष्टि से ये माना गया है कि जब हम सिखा रहे हैं उस समय सीख भी रहे हैं। तो अध्यापक जब सिखा रहा होता है तब सीख भी रहा होता है। एलवीएस की कार्यशाला में ही एक विषय आया था कि अध्यापक को पढ़ाना नहीं है, अध्यापक को सिखाना है। तो ये विषय हमें ध्यान रखना चाहिए, और जब सिखाना है तो कब सिखा सकता है, जब वो खुद सीखने के लिए तैयार रहे। और शिक्षण की प्रक्रिया है आकलन परिणाम है, नहीं, आकलन परिणाम तो उस दृष्टि से हो सकता है जब हम मूल्यांकन के संप्रत्यय को दिमाग में रखेंगे कि वो अंतिम अंतिम में हो रहा है, पश्चिगामी हो रहा है, और वह वास्तव में आकलन परिणाम भी नहीं है, मूल्यांकन भी परिणाम नहीं है, बल्कि मूल्यांकन तो ये है कि परिणाम क्या है इसका निर्धारण मूल्यांकन। आकलन या मूल्यांकन दोनों परिणाम नहीं है, बल्कि परिणाम क्या है, परिणामों की संप्राप्ति कहाँ तक हुई है, उपलब्धि कहाँ तक हुई है, इस चीज के बारे में निर्णय लेना और या उसमें सुधार करने के लिए निदानात्मक अध्ययन करना, टेस्टिंग करना, मापन, मापन दोनों जगह होगा, आकलन में भी और मूल्यांकन में भी, इसलिए मापन करना कि समस्याएं कहाँ है, सुधार कहाँ कर सकते हैं, या इसलिए मापन करना कि श्रेणी क्या है, स्तर क्या है, ग्रेडिंग क्या है। तो ये परिणाम के अध्ययन की प्रक्रिया है, परिणाम के विषय में है, ये परिणाम नहीं है। शिक्षण शिक्षक का मुख्य कार्य है और आकलन द्वितीय कार्य है, सेकेंडरी वर्क, ऐसा नहीं है। यही तो बात हमको आज की पृष्ठभूमि में 2020 में समझना पड़ेगा। एनसीएफ को 2005 में आया था, 15 साल हो गए, लेकिन उसको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जमीनी हकीकत में उसको लाने के लिए। वो विषय यही है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षण अध्यापक का प्राथमिक कार्य है, उसको सिर्फ शिक्षण पर फोकस करना चाहिए, और आकलन को वो अगर द्वितीय कार्य का मतलब होता है कि वो विकल्प से आकलन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, या उसको बहुत बाद के लिए भी टाल सकता है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से शिक्षण अध्यापक का मुख्य कार्य है, उस तरह से आकलन भी अध्यापक का ही मुख्य कार्य है। और यह भी गलत है जो पांचवा कथन था कि शिक्षण की विधियों से आकलन की विधियां पूर्णतः भिन्न होती है। अगर आप रचनात्मक आकलन, आप इसको जरूर पढ़िएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन, इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग, सीबीएसई अलग करता है, एनसीईआरटी अलग करता है, तो आकलन है या मिस, विवाद में कभी नहीं जाता कि वो कौन सा शब्द ठीक है। विचार महत्वपूर्ण है कि यदि हम सुधार के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वह आकलन होगा, वह परिष्कार के लिए कोई स्थिति है, निरंतर हमें वो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है, अधिगम बच्चे अभी सीख रहे हैं, सीखना खत्म नहीं हुआ है, उस समय जब आप देख रहे हैं कि वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं या सीखने में क्या समस्याएं हैं, वह आकलन होगा। और जब वो सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो वह कितना सीखे कितना नहीं सीखे, इस चीज को चेक करना, इसका मापन करना, ये मूल्यांकन होगा। तो ये विधियां एकदम भिन्न नहीं होती, मूल्यांकन की विधियां भिन्न हो सकती हैं, जैसे वार्षिक परीक्षाएं या सेमेस्टर परीक्षाएं लेना, लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट वर्क किसी को दें उदाहरण के लिए, तो उसने प्रोजेक्ट वर्क की जब रिपोर्ट सबमिट करता है, तो रिपोर्ट जब रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है तो वस्तुतः वो अपना भी आकलन कर रहा होता है कि उस कार्य को कितना तरीके से, उस समस्या को कितनी गहराई से समझ पाया या उसको कितनी गहराई से वो जान पाया। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको पता होगा कि किलपैट्रिक से जो बात प्रारंभ की जाती है कि ऐसी समस्या होनी चाहिए जो होनी चाहिए जो सामाजिक हो, जो विद्यार्थियों के अनुभव से जुड़ी हुई हो। तो जो विद्यार्थी एक निश्चित समस्या को चुन रहा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही चुन रहा है, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुरूप ही उसको चुन पा रहा है। तो यहाँ विषय ये महत्वपूर्ण है कि हमें
शिक्षण की विधियों और आकलन की विधियों में द्वेत हो सकता है, लेकिन पूर्णतः द्वेत नहीं करना चाहिए, पूर्णतः भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। हमें सबसे अच्छा होगा कि हम एक ऐसी शिक्षण की विधि को स्वीकार करें जिसके द्वारा उसी विधि के द्वारा ही हम विद्यार्थियों का आकलन भी कर सकें, और आकलन की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम शिक्षण भी कर सकें। तो ऐसी विधियों का प्रयोग करें, जैसे प्रश्नोत्तर विधि है, ये एक शिक्षण की भी विधि है और एक आकलन की भी विधि है। तो पूर्णता भिन्न नहीं होती, मैंने शब्द बहुत सोच समझ के रखा था कि पूर्णता भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न विधियां भी हैं, आकलन की विधियां भिन्न है, शिक्षण की विधियां भिन्न भिन्न है, लेकिन पूर्णता भिन्न नहीं होती है। रचनात्मक शिक्षण में उन्हीं विधियों से शिक्षण होता है, उन्हीं विधियों से विद्यार्थियों का आकलन भी होता है। और सबसे अचरज की बात यह है कि 44 विद्यार्थियों में से सिर्फ एक विद्यार्थी ने सही जवाब दिया कि ये सभी कथन गलत है, बाकी 43 विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं अलग अलग हैं। तो आपको शायद इस विषय के बारे में अभी तक मैंने जो कुछ कहा, परमेश जी मेरी बात सुन रहे होंगे शायद, तो मैं परमेश जी से आज यही प्रार्थना करता हूं कि मैं यही अपने वक्तव्य को या जो भी चर्चा सत्र है उसको मैं समाप्त करता हूं। तो कल फिर दोबारा आप लोगों ने मेरे लिए अवकाश दिया है, तो मैं कल फिर दोबारा बाकी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जी जी महोदय जी, बहुत बहुत आप लोग में से कोई तो कोई भी सवाल हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप इनको ग्रुप में दे दीजिएगा, तो जिनको भी कोई संदेह होगा तो वो मुझसे जरूर पूछें, और इससे ये होगा कि जितना भी आप मुझसे पूछेंगे मुझे पता पड़ेगा कि आपका स्तर क्या है, क्योंकि आपसे लोगों से विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग जितने भी प्रश्न हैं इनको ठीक तरीके से पढ़ें और अपना असेसमेंट करें, और जितना आप मुझे बता पाएंगे कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि जब मैं देख रहा था मात्र 2.5-10 में से सिर्फ 2.52% 5-2 प्रश्न ही सही है, तो ये आंकड़ा मुझे लगा कि चर्चा का विषय है। अगर ये आंकड़ा 7-8 अनुक्रियाओं तक होता तो मैं आपसे इतनी चर्चा नहीं करता, क्योंकि फिर ये मैं मान के चलता कि आप लोग शिक्षण अविक्षमता के विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी सामान्य एरर गलतियां हैं जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो मैं कल और विषयों पर चर्चा करूंगा, और आज की जो मेरी चर्चा है इस पर भी आपको यदि कोई आपत्तियां हैं, संदेह हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कल उनको प्राथमिक रूप से लूंगा, और बाकी फिर जितने भी मेरे प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आज के लिए मैं आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूं, और कल पुनः मैं आप लोगों से मिलूंगा। भैया प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भैया।